हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MMPO 04 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप उनको कर सकें और एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। तो MMPO 04 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी वाले लॉन्ग क्वेश्चन और सेकंड प्रायोरिटी वाले लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। ये फुल्ली एग्जाम के ऊपर फोकस है, आप मिनिमम टाइम के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। होता क्या, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता और आप जीरो टाइम पे भी एग्जाम देने जाओगे तो ये 10-12 क्वेश्चन है, आप इनको करके जाओगे तो मैक्सिमम आपका पेपर जो है इससे मैच खा जाएगा। तो चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, आप मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चन के पेपर को पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन और आंसर दोनों इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। MMPO 4 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ध्यान है कि मैं अपने जो बुक्स हैं उसके अंदर मैं अपना लोगो वगैरह लगा के देता हूँ। आप कहीं इधर उधर से बुक्स लोगे तो आपके आपका जो एफर्ट्स है वो और आपकी जो डिग्री है वो दोनों कम्प्रोमाइज हो जाती है। तो लेटेस्ट हमेशा जो है आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या मेरी वेबसाइट selfplanning.com से ले सकते हैं। तो सबसे पहला, एक आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो बुक को। जो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो दूसरा है, आपको डिफाइन करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और MIS के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की उसमें रखा गया है। आप इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं, और इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए गए हैं, तो इससे आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इनको कुछ छोटा करके दिया है जितना आपको लिखना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी कवर कर सको और आपको एक या दो दिन में भी पढ़ के अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है आपको मैनेज इन्फॉर्मेशन, कैसे इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, रियल टाइम डिसीजन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के जो सारे क्वेश्चन और आंसर इसमें 10-12 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वो करके जाओगे एग्जाम में तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर इसी से आ जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र होकर इन चीज़ों को करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।